पांवटा साहिब में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के 5वें दिन छात्राओं द्वारा शहर के कई जगहों पर सफाई की गई। शहर के लोगों को कोरोना बचाव व मास्क के बारे में जागरूक किया। छात्राओं का कहना है कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। NSS प्रभारी प्रतिभा पांडे ने बताया कि बालिकाओं ने लोगों को खूब जागरूक किया और जगह जगह जाकर सफाई व जागरूकता अभियान भी चलाए। उन्होंने बताया कि इस शिविर के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य दीर्घायु प्रसाद की मोठी का भरपूर सहयोग व मार्गदर्शन मिल रहा है। आज हमने वाई पॉइंट में शहीद स्मारक और महाराजा अग्रसेन चौक पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जहां पर हमने वहां के आसपास के क्षेत्र में सफाई की है, जिससे ताकि हमारे जो शहीद स्मारक है उसकी हमने सफाई की है और आज और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और हम अपने 7 दिवसीय कैंप में पूरी तरह से अपना योगदान दें। NSS प्रभारी श्रीमती प्रतिभा पांडे मैम हमारे साथ हमेशा कार्य कर रहे हैं और वो हमें कहीं हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह हमारे हमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं ताकि हम सभी इस कैंप को कर सके। प्रधानाचार्य श्री दीर्घायु प्रसाद जी ने भी हमें काफ़ी मदद की है, हम पूरा NSS कैंप में वो हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं ताकि हम पूरा 7 दिवसीय कैंप को पूरी तरह से कर सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।